दोस्तों, मैं मोहम्मद सरफराज, मेरी यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। हम भारत भूगोल में भारत का क्षांसी विस्तार व देशांतरी विस्तार पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल, विश्व की तुलना में भारत का क्षेत्रफल कौन सा स्थान है। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इस क्षेत्र में से कुल क्षेत्र पे पाकिस्तान और चीन का आधिपत्य है। अगर देखा जाए कितना कितना आधिपत्य है, तो 78,114 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में है और 35,555 वर्ग किलोमीटर चीन के अधिकार में है। जो क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में है उसे बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब देखते हैं भारत का क्षेत्रफल विश्व की तुलना में। अगर हम देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है स्थान के मामले में भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। अब यहाँ पे यह प्रश्न बनता है कि भारत से ऊपर कौन है और भारत से नीचे कौन है। तो चलिए हम एक क्रम देख लेते हैं कि भारत से ज्यादा क्षेत्रफल वाले देश कौन है और उससे थोड़ा कम क्षेत्रफल वाले कौन है। सबसे पहले हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जिस देश का है उसका नाम है रूस। रूस विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश है। उसके बाद कनाडा का नंबर आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है। यहां पे ये कंफ्यूजन होता है कि चीन है कि अमेरिका है, लेकिन तीसरे नंबर पे अमेरिका है। चौथा स्थान चीन का है, पांचवें स्थान पे ब्राजील है जहां पे कहवा बहुत अधिक उत्पादन होता है। ब्राजील के बाद स्थान आता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के बाद अपना प्यारा भारत सातवें स्थान पे है, लेकिन वर्तमान समय में जो परीक्षा का प्रणाली है या जो सिस्टम है परीक्षा का, उसमें इनसे प्रश्न नहीं पूछते। पूछता है आठवें स्थान पे कौन है, नौवें स्थान पे कौन सा देश है, दसवें स्थान पे कौन सा देश है। चलिए मैं आपको यही बता देता हूं कि आठवें, नौवें और दसवें स्थान पे किस देश का स्थान आता है। तो भारत के बाद अर्जेंटीना आठवें नंबर का देश है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, जहां हाल ही में अभी यूथ ओलंपिक गेम हुआ। अर्जेंटीना के बाद कजाकिस्तान का नंबर आता है नौवें नंबर पे कजाकिस्तान है और दसवें नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप का देश अल्जीरिया है। तो ये हो गए विश्व के 10 सबसे बड़े देश। सबसे बड़ा देश रूस है। भारत का स्थान अगर हम देखेंगे तो भारत का स्थान सातवां है। यह हो गया 10 बड़े देश। अब हम देखते हैं कि भारत विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है और विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत व्यक्ति इस पर निवास करता है। चलिए देखते हैं। अगर हम देखें तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% स्थलीय भाग है। उसको अगर हम 100% माने तो उसमें से जो भारत का क्षेत्रफल है वह मात्र 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व की तुलना में केवल 2.4% है, लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% कितना 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगर जनसंख्या के मामले में देखें तो भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे जनसंख्या है। तो यहां से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इस क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। और भारत के बाद सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा अर्जेंटीना। मेरे कुछ मित्रों भाइयों ने ये मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो बहुत छोटा है, वीडियो को बड़ा बनाएं। जी जरूर वीडियो बड़ा होगा, लेकिन यह जो चैप्टर है ये काफी लंबा है, इसलिए इसे पार्ट में बांट के बनाया जा रहा है।
जो इसके बाद का वीडियो होगा वो लंबा होगा। और मेरे एक दोस्त का ये प्रश्न था कि विषुवत रेखा किसे कहते हैं, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ग्लोब, ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप मॉडल है, ये ग्लोब की परिभाषा है, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप मॉडल है, ग्लोब पृथ्वी के हूबहू जैसा बनाया गया है। जो रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे ही हम भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त या इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपका हो गया भारत का क्षेत्रफल हो गया, भारत का विश्व में स्थान हो गया। अब हम देखते हैं भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पश्चिम से और पूर्व की लंबाई। तो भारत के सबसे उत्तर में स्थित राज्य जम्मू कश्मीर है, सबसे दक्षिण में स्थित राज्य तमिलनाडु है। देखिए हमने उत्तर में जम्मू कश्मीर को दर्शा दिया है, दक्षिण में तमिलनाडु को। तो उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। इसी प्रकार पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वह है 2935 किलोमीटर। पश्चिम में ये गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है। अब हम आगे देखते हैं। अब सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे पश्चिम बिंदु और सबसे पूर्व बिंदु के कुछ नाम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे दक्षिण में भारत की मुख्य भूमि पे सबसे दक्षिण में जो बिंदु है उसे हम जानते हैं कन्याकुमारी के नाम से। कन्याकुमारी, इसी प्रकार सबसे उत्तर में स्थित जो बिंदु है उसे हम जानते हैं इंदिरा काल के नाम से, जो जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर के पास है, उसे कहते हैं इंदिरा काल। लेकिन यह भारत की मुख्य भूमि से है। बगल में भारत का एक केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यह भारत के मुख्य भूमि से 2 डिग्री नीचे है, यदि 2 डिग्री अक्षांश में नीचे है। एक अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, तो दो अक्षांश नीचे है मतलब 222 किलोमीटर नीचे है यह द्वीप। तो भारत की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह यहां ना होकर यहां पे ग्रेट निकोबार, किसमें, ग्रेट निकोबार में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। यहां पे, यहां आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे यह जो द्वीप है, यहां पे जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। मैं यहां पे लिख रहा हूं ऊपर करके इंदिरा पॉइंट। अब ये प्रश्न होगा कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगर प्रश्न होगा भारत की मुख्य भूमि में सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो होगा कन्याकुमारी। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है गौरा माता, इसे गौर माता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गुजरात राज्य में है। इसी प्रकार सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में जो स्थान है उसे किविथु के नाम से जानते हैं, जानते हैं किविथु। तो ये यहां से आपके 4 हो गए। अगर मैं इसे यहां बनाऊं तो ऐसे कह सकते हैं आप, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वह आपका है इंदिरा काल, इंदिरा काल। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसी प्रकार सबसे पश्चिम बिंदु जो है वह है गौरा माता या गौर माता, और सबसे पूर्वी बिंदु है किविथु। लंबाई में आप देखेंगे तो यह है 3214 किलोमीटर, ये है 2935 किलोमीटर, अर्थात उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई अधिक है। यह आपका हो गया भारत का क्षेत्रफल और भारत के दूरस्थ स्थित बिंदु उसके नाम। चलिए हम आगे देखते हैं भारत में कर्क रेखा। तो हमें आपको बताया था कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसके उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो भूमध्य रेखा के 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरता है। उसे मैं आपको यहां बना रहा हूं, उसे देखिए। जो
भूमध्य रेखा है उसके 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, जो भारत के बिल्कुल मध्य से होके गुजरता है। तो अब यहां से प्रश्न ये बनता है कि यह भारत के कितने राज्यों से होके गुजरता है और किन किन राज्यों से होके गुजरता है। तो मैं बता दूं, यह भारत के 8 राज्यों से होके गुजरता है। 8 राज्यों में एक राज्य की राजधानी के ठीक ऊपर से गुजरता है। यह लाइन खींची नहीं गई है, यह एक काल्पनिक लाइन है। भूगोल में जितनी भी रेखाएं हम पढ़ते हैं वह काल्पनिक होती है, मानी जाती है, ऐसा है नहीं उसे खोदा जाए और छेनी थोड़ी से बनाया जाए। तो हम देखते हैं यह भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। तो आप अगर मैप देखे होंगे तो आप जानते होंगे यहाँ पे कौन कौन सा राज्य है। तो सबसे पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पे गुजरात राज्य है, अर्थात यह गुजरात, थोड़ा सा यहाँ पे यह राजस्थान को टच करता है, राजस्थान। उसके आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़, उसके आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम बंगाल। अब यहां पे देख रहे होंगे आपको दो राज्य पूर्वोत्तर के सबसे लटके हुए राज्य आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इसमें कौन सा राज्य है, तो एक त्रिपुरा है, एक मिजोरम है। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक राज्य है जो बिहार से कटके सन 2000 में अलग हुआ था, सन 2000 में अलग हुआ था, उसका नाम है झारखंड। तो यह झारखंड से भी रेखा गुजरती है। तो एक हो गया आपका झारखंड, फिर हो गया त्रिपुरा, अगला हो गया आपका मिजोरम। तो ये आपके हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यह भारत के कुल 8 राज्यों से होके गुजरती है, यह झारखंड की राजधानी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि झारखंड की राजधानी क्या है। यह झारखंड की राजधानी के ठीक ऊपर से होके गुजरता है। तो ये हो गए कर्क रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम देखेंगे भारत का मानक समय। आपको देशांतर वाले वीडियो में मैंने बताया था कि समय के लिए देशांतर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश का एक मानक समय होता है, नहीं तो एक ही देश में कई समय अलग अलग हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, उसके लिए पहले मैं आपको बगल में चित्र बना के समझा दे रहा हूं, फिर मैं भारत पे से आपको बना के समझा दूंगा। जैसे मैंने ग्लोब का एक समतल कागज पे प्रक्षेप कर दिया, ग्लोब का एक समतल कागज पे प्रक्षेप कर दिया, ग्लोब का समतल कागज पे प्रक्षेप करना ही मानचित्रण कहलाता है। हमने ग्लोब को इस पे डाल दिया, हमने बीचों बीच एक लाइन खींच दी जिसे हमने नाम दिया 0° देशांतर रेखा, 0° देशांतर रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। हमने बताया था 0° देशांतर रेखा के पूर्व को पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। पूर्वी गोलार्ध में कुल 180 देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक इसी प्रकार पश्चिमी गोलार्ध में भी कुल 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इधर जब बढ़ेंगे तो समय प्लस होगा, इधर पे समय माइनस होगा। यहां बढ़ेंगे एक देशांतर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये वाली लाइन और जो इधर लाइन है दोनों मिल जाएगी। ये दोनों लाइन जहां पे मिलती है वही होता है 180 अंश देशांतर रेखा, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंग्लिश में इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। तो भारत कहां पे स्थित है, भारत की स्थिति यहां पे है, मतलब भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि कई देशांतर रेखाएं भारत के ऊपर से जाएगी। तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट कितना होता है, हमने आपको उस दिन बताया था, आज मैं आपको फिर बता दे रहा हूं। चलिए देखिए कैसे निकाला जाता है समय। जैसे पृथ्वी पे कुल 360 देशांतर लाइन है और पृथ्वी अपना एक परिभ्रमण या अपने अक्ष पे एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। यदि हम इसमें 24 से भाग दे देंगे, 360 देशांतर में यदि हम 24 से भाग दे देंगे तो पृथ्वी कितने देशांतर, एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है, यह समय निकल जाएगा। यदि इसमें 24 से भाग दे तो 24 आपका जो कैरी हुआ वो हुआ 12, 120 हो गया, 24 × 120, अर्थात पृथ्वी एक हावर में 15° घूमती है, पृथ्वी एक घंटे में 15° घूमती है। इसे अगर हम और छोटा कर दें
तो एक घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो हम 15 डिग्री में अगर 60 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। 4 मिनट बराबर 1 डिग्री अर्थात पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु था वहां पे 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा गुजरी थी, सबसे पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा थी। तो इन दोनों के बीच अगर हम देखें तो लगभग 29 देशांतर रेखा पड़ती है। अगर हम 29 में 29 इंटू 4 कर देंगे बहुत ज्यादा आ जाएगा, लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाएगा, यहां से लेकर यहां के बीच 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। अगर कोई जहाज यहां से उड़ता है, हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ, अगर ऐसी पृथ्वी है तो वो ऐसे घूमेगी, सूर्य यहां पे है तो पृथ्वी ऐसे घूमती है ऐसे। तो मान लीजिए यहां पे अगर सूर्य की रोशनी सबसे पहले पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, तो 2 घंटे बाद गुजरात में उसकी रोशनी पड़ेगी, उसकी जो चमक और लाइट होगी वह 2 घंटे बाद गुजरात में पड़ेगी। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। जैसे वायुयान, रेलगाड़ी, सड़क मार्ग में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी, यहाँ पे 6 बज रहा होगा, यहाँ पे सुबह के 4 बज रहे होंगे, तो अंतर आ जाएगा। इसीलिए हर देश का अपना एक मानक समय होता है, उस देशांतर रेखा पे जो समय होगा वही समय पूरे देश में होगा। तो भारत का जो मानक समय है वो भारत के ठीक बीचों बीच एक लाइन जाती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, वही भारत का मानक समय है। उसके बारे में आपको बता दें ये कहां से गुजरता है, तो ये लाइन जो है आपका, ये है आपका 82 डिग्री देशांतर रेखा, 82 डिग्री देशांतर रेखा ही भारत का मानक समय है। इस देशांतर रेखा पे जो समय होगा वही समय पूरे भारत में माना जाएगा। अब यहां से ये गुजर रहा है तो इनके बीच कुछ राज्य पड़ते हैं, तो एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि देशांतर 82.5 डिग्री देशांतर रेखा अर्थात भारत का जो मानक समय है वह किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। एक प्रश्न ये पूछता है यह उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरता है, तो यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के ननी नामक स्थान से गुजरता है। यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसके नाम मैं आपको क्रम से लिख दे रहा हूं, आप उसे देख लीजिए। यह भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यह भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा या भारत का मानक समय जो है वह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी नामक स्थान से गुजरता है। आपको बहुत सारी किताबों में यह भी मिलेगा कि यह उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर नामक शहर से मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान पर यह माना जाता है कि यह यहां से होके गुजरता है। तो आज आपने भारत का क्षेत्रफल, भारत में कर्क रेखा, भारत का मानक समय, भारत के दूरस्थ बिंदु पढ़ लिए हैं। ठीक इसके बाद अगला वीडियो होगा भारत के द्वीप, भारत के केंद्र शासित राज्य, भारत के राज्य व भारत के पड़ोसी देश। अगले वीडियो के बाद भारत भूगोल का, भारत को समझने के लिए जो चैप्टर चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। ठीक इसके बाद शुरू होगा भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें हम पर्वत, पठार, मैदान, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार आपका यह सीरीज चलता रहेगा और यह सीरीज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न से संबंधित टॉपिक खत्म नहीं हो जाते। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं आपका भरोसा जो दुर्गेश सर के साथ है, मेरे ऊपर है, मैं उसे पूरा करूंगा। और आज के लिए मैं आपको कुछ प्रश्न दे देता हूं, उसे देख लीजिए। हमने बताया 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान में एक रॉयल वेधशाला है उसके पास से खींची गई है। एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, एक देशांतर बराबर 4 मिनट। तो आप बताएंगे कि
ग्रीनविच से भारत, जो भारत का मानक समय ये है 82.5 डिग्री, वह कितने घंटे के अंतर पे है। अगले वीडियो में मैं आपको समय निकालने से संबंधित जो प्रश्न होते हैं देशांतर से वो भी बता दूंगा, लेकिन आप ये प्रश्न बताइएगा कि 0 डिग्री लाइन से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कितने समय के अंतर पे स्थित है। आप यही बताइएगा भारत का उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वह कितनी है। अब एक प्रश्न और, यह झारखंड की किस राज, जो झारखंड की राजधानी है वह क्या है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला वीडियो आपके लिए जल्द होगा। थैंक यू। जय हिंद।